नज़र को नीचे रखना ये हया का तकाजा, याद रखिए। और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हया और ईमान दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, कहा फ़इन्नल हया मिनल ईमानी, हया ईमान में से है। दूसरी रिवायत ने फरमाया, कहा ये सही बुखारी की थी जो पहली रिवायत, हया ईमान है। दूसरी रिवायत में देखिए क्या फरमाया, हया और ईमान दोनों जुड़े हुए हैं, साथ रहते हैं। जब इनमें से एक उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठ जाता है। हया और ईमान दोनों साथ है, एक निकल गया तो दूसरा भी निकल जाता है। हया और ईमान का बड़ा मजबूत रिश्ता है। और बदनजरी बेहया लाती है, बेहया आने से हया निकल जाती है, हया निकलने से ईमान चला जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने रिवायत ने फरमाया, आदमी बेहया होता है फिर जो चाहे वो करता है। तो हया ईमान से है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताऊन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।